तो अभी जो है सपना जो है एक नंबर की चोर है, एक नंबर की चोर है। क्यों है आप वो क्यों है सोचेंगे इतनी क्यों, बड़ी और आवाज है? मुझे 2 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि इसने चेंज कर दिया वाह, है। जब से हम भीमताल है तब से मैं ही कर रही हूँ। पिज्जा वाले जीजा जीजा जी का नाम भी रख दिया लोगों ने, पिज्जा वाले जीजा। अलग स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग? हम भी बढ़िया हैं। तो अभी जो है सुबह के 10 बजे है, सारा घर का काम वगैरह हो चुका है। विशु भी 8 बजे ड्यूटी चले गए थे, फिर वही घर का जो भी डेली का काम होता है वो सब हो गया, नाश्ता वगैरह भी। और अभी जो है मम्मी पापा कर रहे हैं बाहर गैलरी की साइड जो खिड़की वगैरह जाली वाली उसकी सफाई करने में लगे हैं आज। आज पापा को काम दिया गया है तो पापा बहुत जम के कर रहे हैं, दिखाते हैं। पहले हम इंडक्शन में दूध गर्म करते थे, पर इससे पता नहीं क्या हो रहा था, वो जल जा रहा था, नीचे चिपक जा रहा था, तेज करने में भी कम करने में भी। तो अब गैस में कर रहे हैं वो भी तेज आंच में, और फिर जब तेज आंच में करना करते हैं ना तो उसका हमें खड़ा ही रहना पड़ता है ताकि उबल ना जाए एकदम ही दूध का बटर। तो यहाँ पे एक साइड मैंने कढ़ी चढ़ा दी है और मम्मी बना रही है तिल की चटनी, क्योंकि विशु को बहुत पसंद है तिल की चटनी। मम्मी बताएगी इसकी रेसिपी कैसे क्या क्या डाला मम्मी ने, क्या क्या डाला? लहसुन, अच्छा जीरा, हरी मिर्च, थोड़ा तो नींबू निचोड़ के डाल दिया खट्टा करने के लिए, खट्टा करने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं डालते इसको, पर पहले तिल को भूनना पड़ता है तवे में, उसके बाद फिर। यह है विशु का नया हेयर स्टाइल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला सपना ने चेंज कर दिया है हमारा व्लॉग का नाम, और पहले जो था विशु रौतेला व्लॉग्स था, क्योंकि मैं गांव में वीडियोस बनाता था और आपने देखी भी होंगी। तो अभी जो है सपना जो है एक नंबर की चोर है, एक नंबर की चोर है। क्यों है आप वो क्यों सोचेंगे है? क्यों है, और आप ये भी सोचेंगे क्यों है, और आप ये सोचेंगे क्यों है, और फिर भी आप सोचेंगे क्यों है, चोर क्यों है, पर सोचेंगे आप चोर क्यों है। तो चोर इसलिए है क्योंकि इसने क्या करा, चुपचाप एडिट कर दिया अपना नाम और उसमें लिख दिया विशु एंड सपना रौतेला व्लॉग्स, और मुझे 2 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि इसने चेंज कर दिया है। हाँ, इसने तो आज हमने क्या बना रखा है, जैसे कि ना वो गांव में क्या होता है, जैसे करेले करेले और मतलब करेले होते हैं और भी चीज़ें होती हैं कद्दू के, तो उसको सिकौड़ नहीं बनाते थे, सिकौड़ बोलते क्या बोलते, कुछ बोलते हैं मम्मी से पूछ के जाओ, सपना पूछ के आएगी मम्मी से क्या बोलते है वो, सूखा सुखौड़ सुखौड़ बोलते हैं उसको, सुखा देते हैं। जैसे ककड़ी को भी, ककड़ी होगी ना, ककड़ी को भी उसको कद्दू मतलब कद्दूकस कह रहा हूँ, हाँ कद्दूकस ही बोलते हैं ना, कद्दूकस करके वो जो गांव में वैसा वाला कद्दूकस नहीं जो उसमें घिस के नहीं, वो जो लोहे का बनाते हैं ऐसे घुमाने वाला, कर कर करके करोड़ते हैं उसको, वो वाला, तो उसको सुखा देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम तक चलता है फिर सपना, फिर उसको क्या होता है ना, फिर कभी जब वो क्या बोलते हैं उसको, कभी जब वो खाना हो मतलब रायता वगैरह, तो उसको भिगो दिया, भिगोने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपनी लय में आ जाते हैं। फिर उसके बाद गायछा वायछा बना के बढ़िया, आहा क्या मज़ा आ जाता है। ओहो, और मम्मी से पूछ कहो क्या बोलते हैं, मम्मी उसको क्या बोलते हैं जो तुमने करेले बना रखे, सुकोड़ 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 सुकोड़, हाँ तो वो बना। तो मम्मी बताएगी क्या बोलते हैं उसको के? जो बनाया है वो करेले का, अरे करेले सकोट 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 कैसे बनता है वो, क्यों काट के सुखा दो उनको बस, तो फिर भी वो क्यों सुखाते हैं मुझे भी बताओ, वो क्यों करते हैं ऐसा? अरे जैसे करके लंबे समय जैसे जैसे जिस मौसम में होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो, तो फिर उनको तोड़ के सुखा के फिर जैसे जिस मौसम में नहीं होते उस समय खाते हैं उनको। हम गांव से दिल्ली वाली आए थे वो, तब उनकी जिंदा है मैंने, और किस किस चीज़ का होता है सब चीज़ का होता है, सब घिया का भी होता है, घिया का वो कोर के होता है रायता जैसा, और कद्दू 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 का भी होता है, ककड़ी का होता है, ककड़ी का भी होता है कोर के, उसकी बड़ी बनाते हैं, करेला का होता है अच्छा जो शुगर आलू के लिए होता है ना, तब तेरे पापा के लिए बनाया मैंने, शुगर उनके लिए सही है शुगर के लिए। और जो ये मुझे बोल रहे हैं कि मैंने नाम चेंज कर दिया, तो आपको ये बता दूं कि इसको पूरे चैनल को मैं ही हैंडल करती हूँ, मतलब वीडियो भी एडिट, क्योंकि ये जॉब पे जा रहे हैं तो ज़्यादातर शूट वगैरह थोड़े बहुत जितना भी हो पाता है उसका पूरा वीडियो एडिट भी मैं करती हूँ, फिर उसका थंबनेल बनाती हूँ, नीचे का सब मैं लिखती हूँ, उसको मतलब कब डालना है टाइम वगैरह सब मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम तो है नहीं।
वैसे पहले से जैसे जब से हम भीमताला है तब से मैं ही कर रही हूँ सारे, ज़्यादातर ये तो अपने ब्लॉग देखते भी नहीं है वैसे, कितने बार तो देखते भी नहीं, मैं एडिट करके डाल देती हूँ और सारे कमेंट वगैरह मैं देखती हूँ, लाइक वगैरह जो भी रिप्लाई करने होते हैं कुछ कुछ मैं ही रिप्लाई करती हूँ इसका। छोटे तो है वो बेटा, छोटा होता तो छोटी उम्र का शादी हो गई ना, मतलब फिर मैंने शौन क्या बोला था। चलो मैं भूल गया। तो दोस्तों मैंने एक कीबोर्ड और माउस ऑर्डर किया था, तो क्या हुआ कि वो मैंने अच्छा करा कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दिया और सौभाग्य हमारे जो हमें ऐसा जिया जी मिले, उन्होंने बहुत पहले पिज्जा वाले जिया जी का नाम भी रख दिया लोगों ने, पिज्जा वाले जिया जी के पास रखा हुआ था ब्लूटूथ वाला माउस एंड कीबोर्ड और मैं वो जा रहा हूँ लेने, तो हम बज गई पैंस। लेकिन अभी ये पता चला कि वो पड़ा है, अब देखा कि वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं, कोई नहीं, मैं देख करके आता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं ले आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है, ढूंढ डांड के जिया जी कह रहे हैं नजर में तो आ रहा है पर पता नहीं याद नहीं आ रहा कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हल्का सा एक कितना सा है, छोटा सी है, रोहित भाई से थोड़ा सा गिर गया था तो ये थोड़ा टूट गया। और मेन चीज क्या है कि इसकी थोड़ी ये चीज बहुत बड़ी है, मतलब कनेक्टर ना जो वाईफाई का होता है, और ये माउस है। तो अभी मैंने जिया जी ने बोला सेल खरीद लेना, तो सेल खरीद के चलता नहीं चलता तो वो देखते हम वायरलेस है, ये तो पता ही है सेल है तो वायरलेस नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें तो उद्घाटन करोगे सबसे पहले मेरा नाम लिख के, इसका तुम्हारा नाम लिख के। हाँ एंटर, ये तो फाइल ही गलत दिखा रहा है ये फाइल ही गलत दिखा रहा है तो भाई इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, चल रहा है चल रहा है, बैठे कैसे हैं। तो तुम सब्जी लेने गई थी ऊपर ना, क्या कौन सी सब्जी नहीं चाचा ने, आलू बड़ी की सब्जी। अरे वाओ, हमने बना रखे हैं कड़ी चावल पकौड़ी वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कैसा चल रहा है कीबोर्ड? बढ़िया चल रहा। और इन्होंने क्या करा था, ऑनलाइन वाला कैंसिल कर दिया? नहीं, वो घर पे आएगा भगा देना उसको। कैंसिल ही कर दो ना, अभी तो हुआ नहीं तो कैंसिल कर दो, क्यों भगवा रहे हो? वो देख लूंगा, चलो अभी नहीं, कैंसिल कर दो, अभी करता हूं थोड़ी। नमस्ते, हाय। एक का कमेंट आया था आज, नीली दी मिस्सी ऐसे करके चल रहा था। तो दोगड़े यहाँ पे टाइम हो गया बहुत ही ज्यादा सकर, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया था कि लैपटॉप वो जो कीबोर्ड था हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे यहाँ जिया जी ने मेरे 1200 रुपए बचा दिए हैं। मम्मी से मिलाता हूँ तुम्हें, जैसे कि मैं पहले बता दूँ और तुम्हें पता भी होगा कि मम्मी हमेशा अपने फोन पे लगी रहती है और अभी भी कुछ कुछ लगे हुए, कितनी बार तो ऐसा होता है कि फोन में लगे 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 सो जाती है, फोन चलता रहता है, सपने में तो मम्मी सो गई, क्योंकि एक बार सपना ने मतलब ये ऑब्जॉर्व किया कि फोन चल रहा है और वही चीज हम कंटिन्यू सुन रहे हैं, सुने सुने और मम्मी यहाँ पे लगा कर सो गई है और फोन चल रहा है। तो मम्मी से मिल पाता हूँ मैं तुम्हें दोबारा। और भाई सोने में नहीं जा रही, देखो हमारे पापा का, देखो रात को सोने का सामान, ये इनका हो गया, ये क्या चश्मा अभी नया बनवा के लाया 300 रुपए का, फोन और ये बीड़ी मंडल 502, ये पापा लोकल जैसी लग रही है, और ये हैस्ट्री, ये रात को पीए में भी कभी नींद में भी बीड़ी पी लेते हैं। और हमारी जय ने कीर्तन खत्म कर दिया लगभग। अरे जय तुमने यार, चलो भाई कल मैंने लेट जाना क्योंकि मुझे काम है। अरे हाँ मतलब चलो कल ही बता देंगे, तो कल मैं ऑफिस हॉलीडे में जाना है, मुझे कुछ काम है कल, तो कल मैं निकलता हूँ और मम्मी को लेके जाना है। खैर तो अब वीडियो को करते हैं समाप्त, तुम भी करोगे, अब क्या करेंगे, अब हम सी जाते हैं, अब रात हम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मम्मी को लेके जाऊँगा।
हम चश्मा लेंगे ने। तो चलो ठीक है यार, वीडियो कैसी लगी बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।